हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन ऐप के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंजल वन ऐप के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसे एंजल वन ऐप को यूज करेंगे। ऐप गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आना है। गूगल क्रोम पे या गूगल प्ले स्टोर पे आइए, वहाँ पे आपको जस्ट टाइप करना है एंजल वन ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप टाइप करेंगे एंजल वन, सबसे पहला जो आपका ओपन होके आएगा यहाँ पे, देखिए एंजल वन स्टॉक म्यूचुअल फंड, यहाँ पे जो आपको देख सकते हैं ऐप के बारे में, ऐप की अच्छी रेटिंग भी है, 4.4 जो है रेटिंग भी है, और इसके वन करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स भी हैं। रेटिंग भी पढ़ सकते हो आप इनके, अच्छे अच्छे रेटिंग्स हैं। दोस्तों चलिए हम एंजल वन ऐप को खोलते हैं और उसके बारे में पूरी डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम एंजल वन ऐप पे आते हैं, वैसे ही आपका जो यहाँ पे दिख जाता है सब कुछ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले होम पेज पे हम एंजल वन के होम पेज पे हैं। दोस्तों ये एंजल वन का होम पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने IPO से। IPO मतलब क्या होता है दोस्तों? ये IPO ऐसा चीज़ होता है जो कि कंपनी अपना एक फिक्स डेट पे IPO लॉन्च करती है ताकि उनको फंडिंग मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एक्टिव अपकमिंग IPOs हैं, जो कि इटालियन इरेबल्स लिमिटेड का, आज पे सरेंडर पार्क होटल्स का, बोट का भी IPO आने वाला है, एबिक्स कैश का भी आने वाला है, जो आपका नेशनल सिक्योरिटी NSDL भी है उसका भी IPO आने वाला है, और आपका फेवरेट जो OYO है उसका भी IPO आने वाला है। अभी देखिए मैंने जो IPO ऑर्डर किया था, यहाँ पे जो आप IPO ऑर्डर करते हैं वहाँ पे आपका IPO ऑर्डर दिखता है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था, उसको कैंसिल कर देता है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये IPO यहाँ पे किया था। तो दूसरा जो आपका दोस्तों दूसरा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड दोस्तों आपको वहाँ पे SIP जिसको हम बोलते हैं, SIP मतलब कि आप मंथली, जैसे कि आप HDFC स्मॉल कैप में, क्वांटा स्मॉल फंड ग्रोथ डायरेक्ट में, या SBI कंट्रोल फंड में, मतलब कि जिस भी कंपनी में आप अपना SIP करना चाहते हैं, सिंपल भाषा में म्यूचुअल फंड को हम SIP कहते हैं, जो कि आपका मंथली क्वार्टरली जिस हिसाब से आप उसको करेंगे आपको डेबिट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप HDFC स्मॉल कैप में करेंगे, मंथली का मिनिमम SIP क्राइटेरिया है 100 रुपीज़ का, इससे आप कर सकते हो दोस्तों। और तीसरा जो हमारा ETGF जाने दीजिए, बात डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखते हैं आप स्टॉक कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे आइएगा, आप जैसे देखेंगे वॉच लिस्ट आपका आएगा, यहाँ पे ऐसे वॉच लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं आप जिस स्टॉक को चाहिए। जैसे कि अभी आपको मैं PTM सर्च करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए मेरे सामने पूरा PTM का आ गया। PTM का जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, जो कि अभी बहुत ही वो चल रहा है। यहाँ से आप स्टॉक डिटेल्स पूरा देख सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों कमेंट कर दीजिए, अगर आपको स्टॉक एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो मैं इसके बारे में बता दूंगा कि आपको स्टॉक को एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल फंडामेंटल और ओवरव्यू कैसे देखना है अच्छे स्टॉक के लिए। यहाँ से दोस्तों आप किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ TCS सर्च करता हूँ, TCS में आ जाएगा, सर्च करता हूँ टाटा मोटर्स सर्च किया, टाटा मोटर्स आ गया यहाँ पे, जो कंपनी आप चाहते हैं यहाँ से सर्च कर सकते हो दोस्तों। तीसरा जो आपका पोर्टफोलियो ये वो है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट दिखा दिया था। आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, वो आपका T+2 डे के बाद रिफ्लेक्ट होता है आपके पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो को आप समझ सकते हैं कि एक आपका अकाउंट, जिससे आपका सेविंग अकाउंट में पैसा दिखता है, वैसे ही पोर्टफोलियो में आपका स्टॉक दिखता है कि आपका स्टॉक कितना ग्रो किया, कितना लॉस किया, वो आपका सब इस पोर्टफोलियो में दिखाई देता है। यहाँ पे मेरे को मुझे जो यहाँ पे इक्विटी, कितना मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, मतलब कि इस मार्केट में कौन कौन से स्टॉक लिया, वो दिखा दिया रहा है। और यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड का, मतलब कि अगर आपको SIP करना है तो SIP के बारे में यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स भी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड एंड चार्जेस, SIP ऑटो ऑर्डर, स्टॉक SIP, स्टॉक प्लेज, एक्टिव DDPI, ये सब देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट किए हैं, वो भी देख सकते हैं। स्टॉक का नाम कहाँ पर, कौन कौन से स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना आज का लॉस हुआ है, पूरा देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप कितना है, ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का यहाँ पे दिखता है। एडवाइजरी का भी मिलता है आपको जो है इस एंजल वन ऐप पे, आपको एडवाइजरी भी मिलता है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट नहीं करना है।
तो दोस्तों हमारा तीसरा जो सेक्शन है ऑर्डर का, ऑर्डर में आपको ये दिखता है कि इसमें आप अगर आप इंट्राडे करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इस ऑर्डर में आपको जो है आपका ऑर्डर दिखाया जाता है कि आपने किस पोजीशन में, पोजीशन मतलब कि अभी उसका वैल्यू क्या चल रहा है, मतलब कि जैसे आपने ट्रेडिंग किया तो उसकी कुछ वैल्यू रहती है कि अभी चल रहा है, जैसे आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 लाख का कितना हुआ है, 10 लाख का 20 हज़ार हुआ प्रॉफिट, के 10 हज़ार प्रॉफिट या लॉस हुआ, उतना आपको दिखाया जाता है। और ओपन ऑर्डर मतलब कि आपका जो ऑर्डर अभी करंटली में चल रहा है, करंटली में जो आपका ऑर्डर चल रहा है उसको हम ओपन ऑर्डर बोलते हैं। पोजीशन में क्या होता है, जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है वो पोजीशन में आता है। ये बास्केट जो है, बास्केट आपका नया फीचर है, जो कि आप एक बहुत सारे स्टॉक का एक बास्केट बना सकते हो, उस बास्केट के थ्रू आप एसआईपी कर सकते हो, या तो आप उस बास्केट के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और स्टॉक एसआईपी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक से भी आप एसआईपी कर सकते हैं, यहाँ पे आके आपको बहुत सारे स्टॉक ऐड करना है, वहाँ पे स्टॉक एसआईपी कर सकते हैं। ये दोस्तों जीटीटी है, यहाँ पे जो है ये गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा जो दोस्तों हमारा आपका अकाउंट है, अकाउंट में आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट है, कैसे कैसे आप अकाउंट के बारे में देख सकते हैं, आपका अकाउंट क्या है, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, फ़ंड कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों फ़ंड ऐड करना हो, जस्ट क्लिक करेंगे ऐड फंड पे, जितना भी आपको ऐड करना हो, सपोज़ 1,000 करना हो तो 1,000 करिए, फिर आपका यहाँ पे जो अकाउंट आपका रजिस्टर रहेगा एंजल वन से या किसी भी ब्रोकरेज से, उसके थ्रू जो आप UPI चलाते हो उसके थ्रू आप इसमें फ़ंड ऐड कर सकते हो, वहाँ से आपको पैसा भेज सकते हैं। अगर आपको फ़ंड विड्रॉ करना है दोस्तों, तो फ़ंड विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आएंगे। करंटली मुझे कोई विड्रॉवल अमाउंट नहीं दिख रहा है, तो मुझे कोई, अगर आपको विड्रॉवल अमाउंट दिखे तो यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं, जितना आपको विड्रॉ करना है। जैसे मुझे 1,000 रुपये करना है तो यहाँ पर 1,000 रुपये डाल के यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। और विड्रॉवल आपका जो आएगा T+1 day या तो T+2 day के में ही आता है आपका जो विड्रॉवल रहता है। यहाँ पे फंड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हो, कितना आपने विड्रॉ किया, कितना आपने प्रॉफिट किया, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देता है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका पे लेटर, मतलब कि यहाँ पे पे लेटर का भी नया निकला कि आपकी जो स्टॉक है उसके बेसिस पे आपको जो है ये ब्रोकर कंपनी जो होती है आपको एक तरह से लोन देती है, पे लेटर अभी खरीदो बाद में पैसा पे करो। यहाँ पे आपका क्लाइंट आईडी होता है, यहाँ का आपको ट्रेड चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लेटर, फंड ट्रांजेक्शन, ये सब, योर टिकट सेटिंग, सब्सक्रिप्शन, ये सब आपको मैं बाद में बताऊंगा जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि स्टॉक को आपको कैसे खरीदना है, कैसे बाय करना है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो अपने शॉर्ट्स ही रखता हूं जो कि 6 से 7 मिनट के अंदर ही रहता है, इसलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि आप एंजल वन से किसी भी शेयर को खरीद कैसे सकते हैं, बेच कैसे सकते हैं, और आपको साथ में ये सभी बताऊंगा ट्रेड कितना लगता है, चार्जेस कितना लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, पोर्टफोलियो के बारे में बता दिया आपको, ये टूल्स के बारे में बताऊंगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड चार्जेस, एक्टिविटी भी, ये सब। और आपको मैं दिखाऊंगा अपना वॉच लिस्ट में आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस किस शेयर में अपना इन्वेस्ट किया है, वो सब आपको वॉच लिस्ट के बारे में दिखाऊंगा। आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत, आप मिनिमम 5 वॉच लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डिस्कवर स्टॉक में आपको जो है स्टॉक मिलता है, अगर जैसे मैंने हाईएस्ट रिटर्न वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वीक में किस स्टॉक ने कितना कितना ज़्यादा उसने रिटर्न दिया है, तो देख सकते हैं दोस्तों एल्कोलकाइन, अदानी पावर, NBCC, PPL फार्मा, ये सारे स्टॉक जो है एक स्टॉक में हाईएस्ट रिटर्न दिया है इन लोगों ने। तो दोस्तों आशा कर सकता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमको एक मोटिवेशन देता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं लाइव मार्केट के साथ कि आप अपना स्टॉक कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेचें, तुरंत आपको खरीद के दिखाऊंगा और बेच के भी दिखाऊंगा पूरी प्रोसेस के साथ। अगर दोस्तों आपको कोको बॉक्स से पैसा अर्निंग करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ $25-30 पर वीक $US में आप अर्निंग कर सकते हो, तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक दे दिया है, वो वीडियो पूरा देखकर आप अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑन।